ओम शांति। आज की मुरली 2 अगस्त 2019। और बाबा कहते कि बच्चे सदा अपने आप को बेहद की सेवा में बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य भी स्वतः ही आता जाएगा। सत्यता एक ऐसी शक्ति है जिसके फाउंडेशन से हमारी चलन हमारे चेहरे से सभी दिव्यता की अनुभूति करेंगे। बाबा कहते ये रावण राज्य है, तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करो, ये क्रिमिनल आंखें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। प्रश्न, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर है, पहला, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। दूसरा, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना सच पहनना। भल यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचेता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना, बाप के बच्चे हैं ना। सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं, उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सत्युग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहां तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सत्युग को नई दुनिया कहेंगे, यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सत्युग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम ही नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला ट्रिब्यूनल बैठती है ना। पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़े ही सजाएं खाएंगे, पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं, तुम समझते हो? तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं, कोई देरी से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो, इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वे ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है,
उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित हैं, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए, आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें हैं ना। सत्युग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो, भल वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहां विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्भाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंत है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा होता है। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब पांच तत्व भी पावन बन जाए। सत्युग में तत्व भी पवित्र होते हैं तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सत्युग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बिगर रह नहीं सकते। भल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को याद जरूर करते हैं। परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मनाभव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस यही धुनी लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है। वह तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो बुत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं। यह तो जड़ चित्र है, वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। पांच तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो ना सके।
क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो निकल ना सके, कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं, मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं यह राज्य करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं है। फिर कब आएंगे व क्या करेंगे कुछ पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी भी वही चलेगी जो सत्युग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सकें, मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़े मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, बल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़े बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं, हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबर वन कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर, इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है, वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के ये देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वे बाप है ज्ञान का सागर, देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत चित आनंद क्यों कहा जाता है। झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है ही चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं, तो जरूर आत्मा है परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर। ये महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परमपिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं।
अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सत्युग आदि है भी सत, होसी भी सत। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं, और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वह ना इतना सतो प्रधान बनते, ना इतना तमो प्रधान बनना है। ना बहुत सुख देखा है, ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही चार धर्म, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं, वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान माना विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान उवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रालब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। दूसरा, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है, उसे ही धारण करना है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से